एवरीवन, वेलकम टू अनदर मेकअप चैलेंज। ये ब्लॉग में इसमें मैं जितने मेकअप वीडियोस कर रही हूँ ना, इट्स अ लिटिल अलार्मिंग कि क्या हो रहा है, क्यों इतना मेकअप किया जा रहा है। बट डोंट वरी, मेरा स्किल सेट अभी इतना इम्प्रूव नहीं हुआ। आज का चैलेंज थोड़ा इंटरेस्टिंग है। सारे के सारे मेकअप प्रोडक्ट्स 250 रुपीज के नीचे के हैं, तो लेट्स स्टार्ट आवर अंडर रुपीज 250 मेकअप चैलेंज। सबसे पहले मुझे मिला प्राइमर इनसाइट मेकअप एसेंशियल्स का, ऐसा दिखता है, ट्रांसपेरेंट जेल जैसा है। जेफरी स्टार वॉनबी इज बैक। इसका अजीब सा स्मेल है। मेरे को ना मेकअप वीडियोज बनाते वक्त इसलिए डर लगता है कि क्या लगा रहे चेहरे पे मालूम तो है नहीं। इट्स जस्ट लाइक अ प्रेयर कि मेरा स्किन सेफ रहे। इट फील्स वेरी मच लाइक एन एक्सपेंसिव प्राइमर, नॉट बैड। इसको तो एंड में पता कर पाएंगे कि इफ इट इज गुड और नॉट। नेक्स्ट आई हैव द फाउंडेशन, और ये भी इनसाइट का है। इनसाइट का ना मेरे को एक थोड़ा सा गड़बड़ लगता है कि उनके पैकेजिंग काफी दूसरे ब्रांड्स के पैकेजिंग का मेरे को कॉपी लगता है काफी बार। तो आई डोंट नो इफ दिस इज अ कॉपी ऑफ सम अदर ब्रांड, लेकिन एक कांच का बॉटल तो है। ओ, इट कम्स इन अ ड्रॉपर एंड ऑल, ऐसा दिखता है। पहले मैं डॉट कर ली थी। बट ये क्या कलर है, ऑरेंज स्किन किसका होता है? दिस रिमाइंड्स मी ऑफ द 90 रुपीज वाला लैक्मे का छोटा फाउंडेशन आता था ना। बट इट इज ट्रू टू इट्स वर्ड, इट इज वेरी 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 थिन, बहुत ज्यादा पतला है, लेकिन ऐसा थोड़ा काम भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि पतले के नाम पे इट्स डूइंग नथिंग, इट इज वर्किंग। दिस पर्टिकुलर वन इज इन द शेड 02 रोज बेज। नेक्स्ट है स्विस ब्यूटी का प्राइम एंड सेट प्राइमर एंड मैटिफाइंग सेटिंग पाउडर। दिस इज माई फर्स्ट स्विस ब्यूटी प्रोडक्ट। मैंने स्विस ब्यूटी के बारे में बहुत अच्छी चीजें सुनी है, तो आई एम एक्साइटेड टू ट्राई दिस आउट। ये ऐसा पैकेजिंग है इसका, थोड़ा फैंसी है टू बी ऑनेस्ट। बट मैं ये पफ यूज नहीं करूंगी, मेरे को ये पफ नहीं जमते यूजली। ये पाउडर एक्चुअली काफी फाइन है। रिमेम्बर इन माई वेरी रिसेंट वीडियो मैंने शुगर का वो पाउडर का रिव्यू दिया था कि वो पतला नहीं है एंड बहुत केकी लग रहा है। दिस इज अ बेटर पाउडर, ये बहुत पतला है एंड एकदम अच्छे से एक स्मूथ फिनिश दे रहा है। सेट करने के बाद केकी नहीं लग रहा। मैं कंसीलर जानबूझ के अभी नहीं लगा रही क्योंकि मुझे आई मेकअप के बाद लगाना है। ओके, नेक्स्ट इज माय फेवरेट आई शैडो। आजकल देखो आई शैडो से खेलने का बहुत मजा आता है। द इनर पेंटर इज कमिंग आउट, और उसके लिए मैं खोल रही हूँ ये कंसीलर। इस पे ब्रांड नहीं लिखा है, बट आई थिंक दिस इज इनसाइट, क्योंकि ये फुल कॉपी है वो एले गर्ल का HD कंसीलर। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट मैंने इतना तो देखा है सबके वीडियो में कि आई नो ये पैकेजिंग उसका है। सो हुएवर हैज डन दिस, डोंट डू इट, खुद का पैकेजिंग बनाओ। ब्रश भी डिटो वैसा है, ये तो एक्चुअल पेंट ब्रश जैसा है। तो मैं सिर्फ आईलेट्स के ऊपर लगाऊंगी एज अ आई प्राइमर। अच्छा लग रहा है मेरे लिए, अच्छा प्रोडक्ट मतलब स्मूथ फिनिश, दैट्स इट। मेरे को और ऐसा जज करने के पैरामीटर्स नहीं मालूम कि ये जाड़ा है या पतला है। इफ इट लुक्स अ स्मूथ फिनिश, इट्स अ गुड प्रोडक्ट फॉर मी। तो ये स्मूथ लग तो रहा है फिलहाल, इस पे थोड़ा पाउडर लगा देती हूँ फॉर सेटिंग इट। द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग ऑफ दिस वीडियो, ये आई शेडो पैलेट, ये वेट एंड वाइल्ड का है एंड इसका MRP 500 रुपीज था, बट ये 50% ऑफ में मिल गया। सो दिस होल पैलेट इज फॉर 250 रुपीज, एंड अगर इसको डिवाइड बाय 8 करें तो हर आई शेडो सिर्फ अराउंड 30 या 33 रुपीज का आता है, विच इज सुपर। द ओनली प्रॉब्लम इज कि ये पैलेट के सारे आई शेडोज ग्लिटर वाले हैं, शिमरी शेडोज है। यूजुअली जो बेस होता है ना उसके लिए मैट आई शेडोज बेटर रहते हैं, बट वील ट्राई विथ दिस। वैसे तो इन्होंने ये आई शेडो पैलेट पे मेंशन किया है कि कौन सा आईब्राउज के लिए है, आईलिड्स के लिए है, क्रीज के लिए है एंड डिफाइनर करके भी जाते हैं। डिफाइनर शायद यहाँ पे आउटर कॉर्नर में जाता होगा, तो ये फॉलो करके देखते हैं। पिगमेंटेशन तो सॉलिड है, यूजुअली डार्क आई शेडोज इतना जल्दी लेयर नहीं होते। आई रियली वॉन्टेड टू एक्सपेरिमेंट विद द ग्रीन आई शेडो, तो ग्रीन वाला लेयर करके देखती हूँ इफ इट वर्क्स। स्वॉच करके देखते हैं। वैसे तो विजिबल है, can't decide if I like it. I'll try a brush. So
पिगमेंटेशन तो है बिकॉज इवन इट्स अ लाइट ग्रीन कलर एटलीस्ट यू कैन सी कि ग्रीन कलर है आईज पे बट आई डोंट नो इफ इट मैचेस विद द अदर शेड्स मे बी और थोड़ा स्मोकी लुक करने का ट्राई कर सकते हैं लाइक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैं ब्लैक आई शैडो से दूर ही रहती थी बिकॉज मेरे को ब्लेंड करना नहीं आता मिक्स करना नहीं आता तो आई वुड फील अफ्रेड ऑफ लुकिंग लाइक आई बीन पंच्ड इन द आई आई एम गोइंग टू ट्राई अ कट क्रीज बिकॉज वैसे भी खराब हो ही चुका है तो या तो और खराब होगा या तो ये फिक्स हो जाएगा सो अगेन दिस इज नाउ प्रॉपरली विजिबल और इट्स ग्रीन पर मेरे को डर लग रहा है कि जैसे मैं ब्लेंड कर दूंगी वापस अब एक जैसा ग्रे कलर दिखने लग जाएगा आई थिंक दैट्स द मैक्स आई कैन डू मुझे ये पैलेट डिफिकल्ट क्यों लग रहा है काम करने में क्योंकि सब कुछ इतना ग्लिटर वाला है ना कि एट द एंड एक्स्ट्रा एक्सेस ग्लिटर लग रहा है तो आई रियली रियली विश कि जो एक दो ब्राइट कलर्स है जैसे ये ग्रीन या ये गोल्डन कलर अगर सिर्फ ये दोनों शिमर में होते और बाकी सारे मैट होते ना तो पर्सनली मेरे लिए एज लाइक अ बिगिनर बहुत ज्यादा ईजी पड़ता मैं बस दूसरा आंख को थोड़ा फिक्स करके आई बी राइट बैक बस ये ग्लिटरी मेस किया है मैंने ऑफ कैमरा जाके भी तो सबसे पहले मैं इसको क्लीन करूंगी कंसीलर के साथ क्योंकि मेरा प्रॉब्लम यही है कि हर बार मैं आई शैडो करती हूँ ना तो पूरे आंख में आई शैडो कर देती हूँ तो फिर वो अच्छा नहीं लगता तो इसको थोड़ा नीट एंड क्लीन कर देते हैं उस मैटर में ये वाला कंसीलर अच्छा है क्योंकि इसका जो ब्रश है ना बहुत ईजी पड़ता है डायरेक्टली लगाने में ऑनेस्टली ये क्लीन अप करने के बाद मेरे को इतना अच्छा लग रहा है तो आईब्रोज के लिए मैंने कुछ खरीदा नहीं बिकॉज ये वाला मेरे को फ्री मिल गया जब मैं इस वीडियो के लिए शॉपिंग करी थी ना तभी ऑफर था कि अगर 500 या 800 रुपए का वेट एंड वाइल्ड में से लिया तो आईब्रो पेंसिल फ्री मिलेगा तो लिए मैंने और दो तीन प्रोडक्ट्स विच यू विल गेट टू सी वरना इसका प्राइस था 125 रुपीज दो आईब्रो पेंसिल के लिए नॉट बैड ब्राउ एंड आई लाइनर पेंसिल ब्लैक मुझे लगता है कि बहुत हार्श लगता है पर आज मालूम पड़ेगा ऑलरेडी मेरे आईब्रोज पहले से ऐसे जंगल जैसे होता है ना ब्लैक मेरे को सूट नहीं करेगा मैं रिजिड फीमेल हो जो शिनचैन लगूंगी अगर मैंने और भी कुछ किया इस पे तो इसको काजल के तरफ लगा के देखते सबसे ब्लैक काजल तो ये नहीं है इससे भी ज्यादा ब्लैक काजल्स मैंने देखे हैं लेकिन ये मल्टीपर्पज है यूजली काजल को आईब्रोज पे नहीं लगा सकते बट ये पेंसिल है इसलिए लगा सकते हैं एक मतलब ऐसे मिक्स करके तो आई लाइक दिस प्रोडक्ट गेट्स अ थम्स अप आई शैडो की अगर बात करें तो अगर आपके पास पहले से घर पे मैट आई शैडोज है ना लाइक न्यूट्रल वाले एंड अगर आपको सिर्फ ऐसा शिमर चाहिए जो आप आईलिड्स पे एज ए पॉप ऑफ कलर लगा सको देन दिस आई शैडो पैलेट इज परफेक्ट फॉर यू लेकिन अगर आपको सिर्फ एक पैलेट लेना चाहते हो देन मैं ये रिकमेंड नहीं करती एक ऐसा मिक्स ऑफ पैलेट लेना जिसमें मैट आई शैडोज ज्यादा हो एंड शिमरी सिर्फ एक दो हो सिर्फ ऊपर के आईलिड पे लगाने के लिए अभी बस आईब्राउ के नीचे लगा लेते थोड़ा ये लाइट गोल्डन शेड काफी पिगमेंटेड है एंड वही शेड ना इनर कॉर्नर में भी लगा लेते हैं अभी आता है वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट्स ऑफ द वीडियो पे व्हिच इज आईलाइनर अभी आईलाइनर में ना सब कुछ ज्यादा अच्छा नहीं बस ये वाला डील मिला कि आई थिंक 12 आईलाइनर कुछ 200 रुपए के 12 आईलाइनर एंड वो भी फंकी कलर्स यूजुअली फंकी कलर्स बहुत एक्सपेंसिव आते हैं ये ब्रांड का नाम है ADS देन मेरे को तो इच्छा है ग्रीन आईलाइनर ही करने का दैट इज नॉट बैड एकदम क्रीमी नहीं है लगाते वक्त थोड़ा रगड़ना पड़ रहा है 10 बार रगड़ने के बाद इतना आ रहा है एंड द प्रॉब्लम इज कि जब रगड़ रही हूँ ना कुछ जाड़ा बन रहा है आईलाइनर वो फाइन प्रिसाइज वाला नहीं बन रहा है अगर मैं ये सारा आई शैडो हटा के सिर्फ एक इसमें से शिमरी शेड करके ब्लेंड करूँ ना तो ये लुक काफी बेटर लग सकता है एंड आई थिंक हम एंड में वो ट्राई करके देखेंगे नेक्स्ट वी मूव ऑन टू अ मस्कारा ये जो प्रोडक्ट है ना ये मैंने एक बहुत बड़े ब्रांड से पहले ट्राई किया हुआ है एंड वो खत्म होने के बाद मैंने कभी रीपर्चेस नहीं किया वो था ये क्लियर मस्कारा ट्रांसपेरेंट एंड मुझे बहुत पसंद आया तो ये है वेट एंड वाइल्ड का मेगा क्लियर मस्कारा देखते कुछ डिफरेंस पड़ता है कि नहीं थोड़ा सा डिफरेंस है उतना नहीं है लाइट आई मेकअप होता ना
तो शायद और दिखता. एक जगह पे सिर्फ लिखा है मस्कारा एंड दूसरी जगह पे लिखा है ब्राउ एंड लैश मस्कारा. सो थैंक गॉड बिकॉज मेरे ब्राउज को डेफिनेटली कोई प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है जिससे वो जगह से हिले नहीं. ओके फाइनली वी कैन फिनिश द फेस. मैं अभी कंसीलर लगा लूंगी आईज के नीचे. आई हैव बीन वेटिंग टू डू दिस. सेकंड लास्ट स्टेप आई थिंक फाइनली है ये पैलेट. ये इन कलर की पैलेट है एंड अर्बन डिके का लोगो लग रहा है मेरे को ये पैलेट के ऊपर. तो आई डोंट नो व्हाट इज दिस ऑब्सेशन कि बड़े ब्रांड के पैलेट का लोगो अगर सब कॉपी करना है. आई थिंक अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा तो हम वैसे भी लेने ही वाले हैं. दैट इज प्रिटी. 250 रुपीज के नीचे. तो आई स्टार्ट विद द ब्रॉन्जर जो ब्राउनी शेड है. मैंने इसको बहुत हल्के से टैप किया था. बहुत नॉट बैड. अभी ब्लश ट्राई करके देखते हैं कि ब्लश कैसा है. हल्का सा. अभी तक के ब्लश और कॉन्टोर बहुत ही पिगमेंटेड है. अच्छा है. अभी सिर्फ हाइलाइटर ट्राई करना है एंड मैं गोल्डन वाला नहीं मैं ये वाला ट्राई करूंगी. विजिबल तो है. एक्चुअली मैं जितने भी मेकअप रिव्यूज देखती हूँ ना उसमें से काफी टाइम लोगों को हाइलाइटर्स पसंद नहीं आते. तो आई रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि वो लोग क्या बेसिस पे जज करते हैं. क्योंकि आज तक मैंने जितने भी हाइलाइटर ट्राई किए ना ऐसा हुआ नहीं कि मुझे कोई पसंद ना आया. क्योंकि सारे के सारे दिखते तो है ऐसे. सो इट वर्क्स. ये पैलेट 250 रुपए के लिए मेरे को तो बहुत सही लग रहा है क्योंकि जो तीनों के तीनों चीजें थे ना तीनों ने काम किया. फाइनली लास्ट स्टेप. सो वी हैव दिस बाम स्टेन जैसा चीज फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड. मेरे को तो लगता है लिप ग्लॉस जैसा होगा. द वर्स्ट पार्ट इज मैंने ग्रीन आई शैडो किया है एंड ये ऑरेंज लिप प्रोडक्ट है. मैं फुल कार्टून लगने वाली. वाओ दैट वाज स्मूथ. आई कांट दिस लिप कलर एंड दिस आई शैडो इट लुक्स हॉरिबल. वो वीडियोस होता ना आई वेंट टू द वर्स्ट रिव्यूड मेकअप आर्टिस्ट इन माई सिटी. ये लुक के साथ वापस आए हुए ऐसा लग रहा है. बट ये लिप प्रोडक्ट बहुत अच्छा है. तो पहले ये लुक शादी से देख लो देन मैं इसको निकाल रही हूँ एंड मैं वो सारा सा गोल्डन आई शैडो लगा रही हूँ. तब जाके मुझे शांति होगी कि चलो मैंने चैलेंज अच्छे से तो किया वरना ये ग्रीन आई शैडो डज नॉट लुक नाइस. तो बस देख लो एक बार. अगर हंस लिया मेरे पे तो आई वुड वेरी happily like to take off the green eyeshadow. पूरे eyeshadow palette में से सिर्फ कोई एक eyeshadow, एक. And I think मुझे pink वाला बहुत पसंद आया तो मैं बस वही ले लूंगी. अभी eyeliner में color options तो है पर मैं brown वाला लूंगी. Eyeliner टूट के गिर गया है नीचे. What? Black ही लगा लेती हूँ फिर. एंड वे फाइनली डन. ये ग्रीन वाले लुक से मेरे को पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आ रहा है. इतना डरावना नहीं लग रहा. एटलीस्ट एक कम्प्लीट लुक लग रहा है. ऑलमोस्ट लाइक अ नो मेकअप मेकअप लुक. एंड फाइनली वी कैन यूज द लास्ट प्रोडक्ट जो मैंने जानबूझ के ग्रीन वाले लुक में यूज नहीं किया. अ मेकअप सेटिंग स्प्रे. ये भी स्विस ब्यूटी का ही है. लेसन लर्न. नया स्प्रे खोलोगे तो तुरंत मुंह पे मत डालना. दो बार अवे स्प्रे करना फिर लगाना. ओके तो इट्स टाइम टू रिव्यू ऑल द प्रोडक्ट्स. सबसे पहले यूज किया था प्राइमर. द प्राइमर गेट्स 3.5 आउट ऑफ 5 क्योंकि एक्चुअली ये काफी ज्यादा था तो इसने अपना काम बहुत अच्छे से किया. मैं मार्क्स सिर्फ इसलिए काट रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही केमिकली स्मेल और केमिकली फील आ रहा था इसलिए मैं 1.5 मार्क्स काट रही हूँ. सेकेंड हमने यूज किया था फाउंडेशन. फाउंडेशन गेट्स अ 4 out of 5 क्योंकि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छा है. अगर इसमें सारे शेड्स होते हैं ना लाइक लाइटेस्ट स्किन टोन से लेकर डार्केस्ट इंडियन स्किन टोन तो ये फाउंडेशन एक्चुअली में बहुत ज्यादा अच्छा था. नेक्स्ट हमने यूज किया ये कंसीलर. अब ये कंसीलर को आई विल गिव अ 3 out of 5 क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा है. बट एक मार्क तो पैकेजिंग के लिए कटना ही है क्योंकि अगर इनको खुद का प्रोडक्ट बनाना है तो पैकेजिंग भी खुद का होना चाहिए यार. दूसरों का कॉपी मत करो बहुत मेहनत से बनाते हैं. एंड वन मोर मार्क हम कटिंग क्योंकि ये थोड़ा सा केकी तो है. मतलब अगर थोड़ा सा ज्यादा लग गया ना
तो वो ऐसा लेयर दिख के आता है जो मुझे पसंद नहीं है, बट अदरवाइज इसका कवरेज बहुत अच्छा है। ये स्विस ब्यूटी का पाउडर, दिस पाउडर गेट्स अ 4.5 out of 5, क्योंकि मैंने इतना सस्ता इतना फाइन पाउडर मार्केट में नहीं देखा। तो फॉर द प्राइस ये पाउडर बहुत ज्यादा अच्छा है, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स इन दिस होल वीडियो। नेक्स्ट आई थिंक हमने यूज किया था ये आई शेडो पैलेट, आई गिव दिस 2 out of 5 प्योरली बिकॉज इन्होंने ना ये आई शेडो पैलेट में लिखा हुआ है कि ये प्रोडक्ट क्रीज पे जाएगा, ये प्रोडक्ट डिफाइनर है और ये प्रोडक्ट आईलेट पे जाएगा। अकॉर्डिंग टू मी सारे के सारे शिमर शेड से मैं तो लुक क्रिएट नहीं कर पाई, मुझे बहुत डिफिकल्टी हुई। तो आई वुड हैव अप्रिशिएटेड कि अगर इसमें 3-4 मैट कलर्स होते ना तो मुझे ज्यादा पसंद आता। तो दिस आई शेडो पैलेट आई गिव अ 2 out of 5। आई ब्राउ पेंसिल की बात करें तो आई गिव दिस ऑल्सो अ 4 out of 5, क्योंकि इसने काम बहुत अच्छे से किया। काजल के तौर पे भी इट इज वेरी विजिबल, तो ये मल्टीपर्पज है जैसा इसका क्लेम था। अगर ये पेंसिल ब्राउन में भी अवेलेबल है तो आई थिंक ब्राउन वाले को आई गिव अ 5 out of 5, क्योंकि पिगमेंटेशन तो है एंड ब्राउन कलर ज्यादा नेचुरल लगता है। आई लाइनर्स, एक तो इसमें से कुछ खुल ही नहीं रहे, एक खुल के तुरंत टूट गया, एंड ये जो एक ब्राउन मुश्किल से खुला है वो शायद वापस अंदर नहीं जा रहा। ओके, तो ये आई लाइनर का कैसा है ना कि ये हाथ पे स्मूथ लग रहा है लेकिन मेरे आईज पे इतने स्मूथली नहीं लगे थे, स्पेशली क्योंकि मैंने शिमर शैडो के ऊपर लगाया था। तो अगर आप बिना आई शैडो के ही डेली मेकअप करते हो तो ये आपके लिए अच्छे रहेंगे। डू रिमेम्बर कि सारे के सारे शेड्स काम नहीं करते, मेरे लिए कुछ डैमेज आए, कुछ टूटे हुए आए, कुछ खुल भी नहीं रहे। बट अगर 200 रुपए में 8 आई लाइनर भी काम कर रहे हैं ना, इट इज स्टिल अ गुड डील। तो ये है आई लाइनर का सीन, आई वुड गिव इट अ 2.5 out of 5, क्योंकि ये हाफ है यार, मतलब हमारे यूसेज के ऊपर डिपेंड करता है इफ इट इज वर्थ द मनी फॉर अस और नॉट। मस्कारा, आई थिंक दिस इज द ओनली प्रोडक्ट इन द होल वीडियो जिसको मैं 5 out of 5 दूंगी, क्योंकि ये प्राइस में ये प्रोडक्ट मिलना इज वेरी डिफिकल्ट एंड मेरे आईब्रोज जेन्युइनली बहुत ही बिहेव्ड लग रहे हैं, वरना यूजुअली पूरे बिखरे हुए होते हैं। तो आई लाइक दिस प्रोडक्ट अ लॉट। हमारा सेकेंड लास्ट प्रोडक्ट था ये पैलेट, दिस पैलेट विल गेट अ 5 out of 5 एज वेल, क्योंकि इसने बहुत अच्छे से काम किया यार, मतलब पिगमेंटेशन भी है एंड ब्लेन भी हो रहा है, सो बोथ द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट श्योर कि अर्बन डिके का कॉपी है कि नहीं, क्योंकि अगर ये कॉपी होता तो मैं डेफिनेटली मार्क्स काटती, बट मुझे उतना नॉलेज नहीं है। एंड हमारा लास्ट प्रोडक्ट था ये वेट एंड वाइट का बाम स्टेन, आई थिंक दिस ऑल्सो आई विल गिव अ 5 out of 5, क्योंकि माई लिप्स स्टिल फील मॉइस्चराइज एंड ये नहीं होता लिपस्टिक में जल्दी से, तो बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट निकाला है। क्या ये, हाँ ये रिट्रैक्टेबल है, तो 250 रुपीज में इतना प्रोडक्ट नॉट बैड एट ऑल, क्योंकि ये उतना लगेगा भी नहीं, क्योंकि ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है, ब्लेंड हो जाता है। सो विदाउट अ डाउट इस वीडियो के टॉप 3 प्रोडक्ट्स वर द बाम स्टेन, दिस हाईलाइट कॉन्टर ब्लश पैलेट एंड द मस्कारा। एंड अगर आपको ये चैलेंज देखने में मजा आया एंड मुझ पे हंसने में मजा आया तो दैट मेक्स मी वेरी हैप्पी, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन गुड बाय।